नमस्कार मित्रों, आज रविवार की सुबह और हम हैं समय मेहरवानी के ललितपुर रोड पर लैंप पेट्रोल पंप के पास। और आज मौका है यहाँ पर एक उस विशाल पदयात्रा का स्वागत करने का जो आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पपोरा जी में आयोजित कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करने के लिए ललितपुर से विशाल काफिला पदयात्रा के तौर पर निकल रहा है, जिसमें हजारों लगभग 7,000 लोग आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज से ये अनुनय विनय करने के लिए पपोरा जी जा रहे हैं। वो गुरु महाराज ललितपुर में चौमासा करें, यही अनुनय विनय लेकर सभी लोग जा रहे हैं। एक बहुत ही विशाल भव्य पदयात्रा जरूर मेहरौनी में प्रवेश कर चुका है, ये आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। श्री चरणों में श्री पपोरा जी पहुंचेगी प्रातः 8:30 बजे और यह यात्रा आज मेहरौनी में दोपहर का विश्राम करेगी और शाम को 4 बजे पुनः प्रारंभ होते हुए मेहरौनी में अभी विश्राम है इस पदयात्रा जलूस का और 4 बजे मेहरौनी से ये पदयात्रा जलूस मेहरौनी से रवाना होगा पपोरा जी के लिए। ये देखिए बैलगाड़ियां भी हैं, इसमें आकर्षण का विशेष केंद्र बैलगाड़ियां। ये हमारे शैलेंद्र नायक जी, देवेंद्र लोणुआ जी, सभी लोग जलूस की अगवानी करते हुए जय हो जय हो जय जय गुरुवर जय जय गुरुदेव। और भाई ये समय रिलायंस पेट्रोल पंप पर स्वागत होता हुआ इस पदयात्रा जलूस का, नगर में जगह जगह इसी तरह जलूस का स्वागत करने के लिए, पदयात्रा का स्वागत करने के लिए लोग आतुर हैं। शीतल जल यहाँ पे पदयात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं के लिए। जय हो जय हो। अरे भैया 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 प्रणाम। लंबा काफिला है और एक मिनट अरे अरे राजा राजा आइए 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 और हमारे साथ हैं प्रेस क्लब के पदाधिकारी गण भी, सत्येंद्र राजा सिसोदिया जी मेहरौनी में बहुत ही हर्ष का माहौल और अभी 4 बजे तक ये पदयात्रा जलूस मेहरौनी में प्रवास करेगा, उसके बाद 4 बजे यहाँ से रवानगी होगी पपोरा जी के लिए, सभी लोग निकलेंगे। चलिए हाँ चलिए और अब आगे की ओर चल रहे हैं और वहाँ पे भदौरा आवास पे जलूस का स्वागत होगा। कुछ देर और हम लाइव रहेंगे, बढ़िया कार्यक्रम इस समय। हाँ चलिए आइए, अब हम गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। चलो बड्डे अपन को भदौरा जी के वहाँ पहुँचना है। चलो ये अंतु जैन पारोल पत्रकार दादी ये भी जलूस में शामिल हैं। और जलूस पीछे यहाँ रहो ये क्या भाई साहब, तो चले जा रहे जैसे ने कहा रहे। इस समय मेहरौनी के रिलायंस पेट्रोल पंप से अब नगर में प्रवेश हो रहा है पदयात्रा जलूस का। हम उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति अर्पित करते हैं। मेहरौनी में बहुत ही हर्ष का माहौल, कर्म जो भी थे स्वागत हो रहा है। श्री विद्यासागर ललितपुर में। और मित्रों बता दें कि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आगे आगे
भदौरा जी के थे, चौमासा लंबे समय से इस जनपद में नहीं हो पाया है, तो श्रद्धालुओं की अनुयायियों की ऐसी मनसा है कि आचार्य श्री का चौमासा जो कि बहुप्रतीक्षित है, सभी लोग आतुर हैं, तो वही सब अनुनय विनय लेकर और अब वो गुरुवर के पास जा रहे हैं। ये हमारे कवि संजय पांडे जी भारत, ये भी जलूस की अगवानी करने के लिए तैयार, यही रिलायंस पेट्रोल पंप से निकल आए हैं भाई साहब, जलूस की अगवानी के लिए तैयार हैं। जय हो। तो सभी की ऐसी मनसा है कि आचार्य श्री का ललितपुर में चौमासा हो, आचार्य श्री के पावन चरण रज से सभी लोग अभिभूत हों, ललितपुर की जनता आचार्य श्री का स्वागत करने को, उनके चौमासा में उनकी सेवा करने को व्याकुल है, और सभी लोगों को ऐसी आशा है कि इस बार गुरुवर अवश्य उनका अनुरोध स्वीकार करेंगे और ललितपुर में चौमासा के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। इन्हीं समस्त आशाओं के साथ और ललितपुर के श्रद्धालु शांतिनाथ जनालय में स्वागत, पपोरा जी के लिए जा रहे हैं, और ये मेहरौनी नगर का शांतिनाथ जनालय जहां पर पदयात्रा जुलूस की स्वागत की तैयारियां, ये देखिए छोटा सा बच्चा किस तरह से धर्म ध्वज लेकर और अगवानी करने के लिए तैयार है। और अभी अब हम लोग चल रहे हैं भदौरा आवास पर, जहां पर इस पदयात्रा जुलूस का स्वागत करने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मेहरौनी नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समाज सेवी ओम प्रकाश जी भदौरा के यहां जुलूस की तैयारियां, स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, और सर्व समाज के लोग इस पदयात्रा जुलूस की अगवानी करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। सभी की ऐसी मनसा है कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के पावन चरण ललितपुर जनपद में पड़े और यहाँ के लोग गुरुवर के मंगल प्रवचनों से, आशीर्वादों से हाँ क्या पधारे सभी पदयात्रियों का मैरोनी दिगंबर जैन पंचायत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। हेलो हाँ, एक बार और क्या ललितपुर से पधारे सभी पदयात्रियों का मैरोनी दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। तो क्या किस तरह की फीलिंग आ रही है भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ऐसा महसूस हो रहा है आज जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मैरोनी नगर में ही प्रवेश करने वाले हों। सभी लोगों में अति उत्साह देखने को मिल रहा है। ललितपुर से अभी कुछ ही दूरी पर हमारे जैन समाज के सभी लोग पदयात्रा करते हुए मैरोनी नगर में प्रवेश करने वाले हैं। सभी लोग अन्नय विनय लेके जा रहे हैं आचार्य श्री के चरणों में कि ललितपुर में चौमासा हो, क्या आशा है, क्या गुरुवर की स्वीकृति मिलेगी? गुरुवर की स्वीकृति तो मिलना ही चाहिए, जब बुंदेलखंड में 32 साल बाद गुरुवर ने अपने पावन चरण बुंदेलखंड की धरती पर रखे हैं, और इसी आशा के साथ सभी लोग आज पद यात्रा करते हुए गुरुवर के चरणों में पहुंच रहे हैं कि हे गुरुवर, ललितपुर नगर में चतुर्मास करके बुंदेलखंड वासियों को आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें भी आशा है कि गुरुवर की स्वीकृति जरूर मिलेगी और उनका आशीर्वाद सभी को मिलेगा। जय हो। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय। ललितपुर से पधारे सभी पदयात्रियों का मैरोनी दिगंबर जैन पंचायत समिति हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। ओम प्रकाश जी भदौरा और अंशुल भदौरा जी के परिवार की ओर से यहाँ पे पदयात्रा जुलूस का स्वागत की तैयारियाँ, मैं काले लौंडुआ जी, काले पुत्र कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, सब लोग जुलूस का स्वागत करने आए, जल्दी बोलो। काले पुत्र बताओ कैसा लग रहा है? ये काले लौंडुआ के सब पुत्र हैं, बच्चा झेप गया है, तो भाई साहब अभी के लिए हम इसको बंद करते हैं।
चलिए अभी के लिए फिलहाल इसको विराम देते हैं, क्योंकि अभी जुलूस बहुत पीछे रह गया है और अभी तैयारियां लग रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, सभी मित्रों को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पदयात्रा जुलूस में मेहरौनी के ललितपुर रोड से आपका मित्र सूर्यकांत त्रिपाठी और मेरे साथ शैलेंद्र नायक जी, और आप सभी का संडे बहुत अच्छी तरह से रहे और ठंडे बने आपका संडे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी मित्रों को जय हिंद जय भारत।